हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कौशिक। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आपका जो डेटा है वो अपडेशन डेटा अपडेशन फॉर्म अंडर KYC में आप कैसे करेंगे कंप्लीट। तो KYC फॉर्म को आप कैसे कंप्लीट करेंगे यूनियन बैंक में, कैसे फिलअप करेंगे उस फॉर्म को मैं बताऊँगा। और उसके साथ साथ आपका जो डेटा है बैंक में जमा हुआ है, जो डेटा आपके बारे में डिटेल्स लिखा हुआ है बैंक में, उसका भी कुछ अपडेट आप कर सकते हैं इस KYC के फॉर्म के अंदर ही। ठीक है, तो कैसे मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है पहला जो है नेम, तो आप लोग जानते हैं कि कैपिटल में लिखना होगा इसे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका नेम लिखना होगा। उसके बाद सेकंड देखिए लिखा हुआ है एड्रेस, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कस्टमर आईडी, अगर आपको मालूम है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद आपका जो आईडी प्रूफ है यहाँ पे देना होगा। उसके बाद जो अकाउंट नंबर है आपका यूनियन बैंक का वो है यहाँ पे देना होगा। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है देयर इज नो चेंज इन माय करंट एड्रेस, अगर ये आपका सही है तो यहाँ पे टिक कीजिए। या देखिए माय मेलिंग एड्रेस इज टू बी चेंज एस अंडर, अगर ये है तो टिक कीजिए, जो भी आप चूज करेंगे उसमें टिक कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लैट नंबर बिल्डिंग, आप जहाँ पे रहते हैं चाहे वो फ्लैट हो, आपका बंगला हो, जो भी हो वो आपका एड्रेस देना होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर फ्लैट में है तो फ्लैट नंबर से देना होगा आपको। रोड नेम, आप कहाँ पे रहते हैं उस जगह का जो रोड है, ठीक है, का नाम देना होगा यहाँ पे, हर कहीं ना कहीं लैंडमार्क की तरह। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे लैंडमार्क है, अगर आपके आजू बाजू में कोई क्लब है, कोई क्या बोलूँ, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, या कोई कैफ़े है, कुछ भी है तो लैंडमार्क दीजिए आपका। उसके बाद आप जहाँ पे रहते हैं सिटी दीजिए, स्टेट कौन सा है आपका यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड देना होगा आपका। फिर देखिए लिखा हुआ है मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर दीजिए। टेलीफोन ऑफिस नंबर अगर आपके पास है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद रेसिडेंस, यहाँ पे दीजिए नंबर। उसके बाद ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद आपका फादर्स नेम जो है यहाँ पे लिखना होगा कैपिटल में। उसके बाद आपका मदर्स नेम लिखना होगा यहाँ पे इस पोर्शन पे। उसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का जो पैटर्न है वो होगा DDMMYYY, ऐसे पोर्शन में, इस पोर्शन में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना होगा। ठीक है, उसके बाद आपका पैन कार्ड नंबर यहाँ पे देना होगा, पैन नंबर जहाँ पे है, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन नंबर दीजिए, अगर नहीं है तो फॉर्म 60 पे टिक कीजिए। ठीक है, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट, आपका अगर पैन कार्ड है या फॉर्म 60 किए हुए है तो उसका प्रूफ जो है यहाँ पे देना होगा इस पोर्शन पे, उसको फिलअप करना होगा, जो भी प्रूफ है आपके पास, अगर पैन नंबर है तो यहाँ पे दे दीजिए। कंट्री ऑफ रेसिडेंस, आप जहाँ पे रहते हैं यहाँ पे लिखना होगा उसका। ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिविजुअल बी स्पेसिफिक, ओके, आप क्या काम करते हैं यहाँ पे दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्या है यहाँ पे टिक करना होगा उसे। इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, लिमिटेड कंपनी, ट्रस्ट, अदर, PI स्पेसिफाई, जो भी है यहाँ पे टिक कीजिए। एनुअल इनकम आपका कितना है यहाँ पे लिखना होगा। मेजर सोर्स ऑफ इनकम, आप कहाँ से पैसा कमाते हैं यहाँ पे देना होगा, मतलब आपका बिजनेस वगैरह क्या है यहाँ पे देना होगा। उसके बाद देखिए फॉरेन इनवर्ट रेमिटेंस एक्सपेक्टेड, येस और नोट, यहाँ पे नो कर दीजिए, अगर आप फॉरेन कंट्री से है तो यस कर दीजिए।
If yes, country of remitted, अगर आप foreign country से हैं तो यहाँ पे उसका details देना होगा. उसके बाद देखिए nature of activity, I import, export, both, none, जो भी है यहाँ पे उसको लिखना होगा, यहाँ पे टिक करना होगा उसका, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कुछ, उसको पढ़ लीजिएगा. From to be submit personally at the branch when there is change of address, when there is no change, it can be sent my mail. ठीक है, जो भी डिटेल्स है यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कुछ, उसे पढ़ लीजिएगा. उसके बाद यहाँ पे डेट लिखना होगा और आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है यहाँ पे लिखाना होगा. उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखना होगा आपका. उसके बाद आपका जो बैंक रिकॉर्ड में जैसा सिग्नेचर है वैसे ही सिग्नेचर आपको यहाँ पे करना होगा, सिंपली यही से फिलअप करना. इसके साथ साथ आप ये केवाईसी फॉर्म के साथ साथ आपका जो डेटा है बैंक में, आपके बारे में जो डेटा बैंक में कलेक्टेड है, आपके बारे में जो डिटेल्स लिखा हुआ है बैंक में, वो भी इसके साथ साथ अपडेट हो जाएगा. तो सिंपली इसे फिलअप करना. उम्मीद है दोस्तों मैं आपको समझा पाया हूँ इसे कैसे फिलअप करना है. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को. अगर ना भी अच्छा लगा तो भी कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि आपके फीडबैक पाके मैं वीडियो और भी अच्छा बना सकूं. अगर अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिए, नहीं लगा तो भी कमेंट कीजिए. फ्रेंड्स, मुझे आप सब लोगों का फीडबैक और सपोर्ट चाहिए. तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. अभी के लिए बस दोस्तों इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में. टाटा.